ही नहीं रहा है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ हम लोग को जो है एकदम बुर्बक से बुर्बक बना करके बैठाए हुए हैं नीतीश जी। इसलिए कैसे हम लोग एक साल से धरना दे रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग को धरना बिहार सरकार की तरफ से तोड़वा दिया गया, ये मौखिक आश्वासन दे करके। जैसे ऐसा है ना कि जो हम लोग अपना बहुमूल्य कीमती वोट दे करके जिस नेता को जो है से यहाँ अपने गद्दी पे बिठाते हैं, भेजते हैं, वो लोग हम ही गांव वालों को इतना बेवकूफ समझते हैं, ये समझते हैं कि इन लोगों को अब तो कुछ पता ही नहीं है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद गर्दन पर धरना स्थल पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने लोग हैं वो सारे धरना देने ही आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं जानेंगे, और इनका पद क्या है वो भी जानेंगे, और कब से धरना दे रहे हैं जी। अच्छा, आप जीते हुए हैं या फिर? नहीं, मैं पूर्व से वार्ड सचिव था, इस बार नया वार्ड सचिव बना है। जब वार्ड सचिव का इलेक्शन हो रहा था तो हमारे भी ग्रामीण जनता ने हमसे कहा कि भाई आप भी खड़े रहिए, लेकिन मैंने कहा कि अब मैं ग्रामीण जनता के कहने पे नहीं वार्ड सचिव बनूंगा जब तक कि सरकार हमें पुनः अपने पद पर बहाल नहीं करेगी। समस्या कहाँ पे आ रही है? समस्या आ रही है कि से पिछले 2021 में 72-19 लेटर जारी करके, जिस टाइम में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हुआ करते थे, उन्होंने एक लेटर जारी किया, और जारी करने के बाद जो है हम लोगों को पद से पदमुक्त कर दिया गया, जबकि हम लोग पद पे अपनी ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे थे, जितने भी धरातल पे काम था उस काम को जो है बाखूबी अंजाम दे रहे थे, लेकिन उन्होंने एक पत्र जारी किया और पद जारी करते हुए हम लोगों को बेदखल कर दिया। इसीलिए हम लोग यहाँ पटना के गर्दनी बाग में एकत्रित हुए हैं और अपने हक अधिकार को पाना चाहते हैं। जैसे कि पिछले 11 महीने यानी लगभग एक साल से आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है निष्कर्ष निकलेगा या फिर धरना भी चालू ही रहेगा? जी बिल्कुल, इसलिए कैसे हम लोग एक साल से धरना दे रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग को धरना बिहार सरकार की तरफ से तोड़वा दिया गया, ये मौखिक आश्वासन दे करके कि आप लोग का जो है यहाँ से धरना खत्म कर दीजिए, आप लोग का काम जो है से हो रहा, आप लोग की मांग को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए अब हम लोग दृढ़ संकल्प करके आए हैं कि जब तक लिखित रूप से हम लोग को मांग के नहीं पूरी की जाती है, तब तक हम लोग गर्दनी बाग को छोड़ने वाले में से नहीं है, चाहे तो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। आप लोग भी देखे होंगे कि हम लोग कड़ाके की ठंड में भी मतलब कि यहाँ गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे रहे हैं, और जो है जेठ की लहला दोपहरी में भी हम लोग ये रहे हैं, और जो है से बरसात के मौसमों में हम लोग पानी में भीग कर भी पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर रहने का काम किया है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वालों में से नहीं है। जो मौखिक आश्वासन आप लोगों को मिल रहा है, हम जानते हैं कि भारत जो है वो गांवों का देश है, फिर भी गांवों के साथ ही नकारात्मक चीज़ें होती हैं। चाहे अभी यहां पर गर्दनी बाग में ही ग्रामीण चिकित्सक धरना दे रहे थे, फिर ग्रामीण मुखिया धरना दे रहे थे, और अभी वार्ड सदस्य जो गांव से ही आते हैं वो धरना दे रहे हैं। जैसे ऐसा है ना कि जो हम लोग अपना बहुमूल्य कीमती वोट दे करके जिस नेता को जो है से यहाँ अपने गद्दी पे बिठाते हैं, भेजते हैं, वो लोग हम ही गांव वालों को इतना बेवकूफ समझते हैं, ये समझते हैं कि इन लोगों को अब तो कुछ पता ही नहीं है, ये उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि एक वोट की कीमत क्या है, और वही गांव ग्राम से रहने वाले लोग उनको वोट दे करके यहाँ जो है से सिंहासन पे बिठाते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ वादा खिलाफी करते हैं और उन्हीं के साथ अन्याय करने का काम करते हैं। जबकि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाने के से पहले बिहार के मुखिया का ये वादा था कि विकास के साथ न्याय होगा, विकास का काम हम लोगों ने धरातल पर बखूबी कर दिया, लेकिन न्याय कहाँ दिख रहा है? न्याय तो सिर्फ हवा में उड़ती हुई चली जा रही है। विकास का काम जिस तरह से हम लोगों ने धरातल पर किया है, उसी तरह से जो है से हम लोगों के साथ न्याय भी मिलना चाहिए, हम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले में से नहीं है। तो क्या जिस तरीके से पिछले 11 महीने से लगातार, पिछले एक साल से लगभग लगातार धरना दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या इसका असर दिख सकता है? जी बिल्कुल, अगर मान लिया जाए कि मेरी मांग नहीं मानी गई, तो 2024 का चुनाव है, 2025 का चुनाव है, जब हम लोगों ने विगत 6 वर्ष तक बिहार सरकार के कामों में अपना समय बर्बाद किया, तो 3 साल अपने हक अधिकार को पाने के लिए 3 साल समय बर्बाद करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे 2024 का चुनाव आ रहा है तो उससे पहले हम लोग अपना दुम दबा के घर भाग जाएंगे। जब तक मेरी मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक चाहे तो 2024 का चुनाव हो, 2025 का चुनाव हो, और अगर हम लोगों की मांग अगर पूरी नहीं की गई तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा उनको, ऐसा बात नहीं है। जबकि वो भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1,14,691 अगर वार्ड सचिव है तो इनका भरा पूरा परिवार भी है, अगर एक फैमिली में अगर 5 लोग भी अगर हैं तो 5 लाख से ऊपर जो है हम लोगों के पास वोट बैंक भी है, ऐसा बात नहीं है।
तो इस बात को वो भी समझ रहे हैं और अब जो है से कुछ उम्मीद की किरण जगी है। जिस तरह से कल उन्होंने शिक्षक लोगों की बहाली नियुक्ति पत्र बांट करके जो है से यह किया है, उस तरह से हम लोगों को भी अब उम्मीदें जगी है। उम्मीद है आपको दिवाली का गिफ्ट? उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। तो इस वक्त मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर और ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे 24। मैंने अंदर के साथ धन्यवाद।